जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। काल भैरव के अनंत मंत्र और विधान किताबों और इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसमें जो सबसे ज्यादा चलंत मंत्र है या जो लोग समझते हैं कि भैरव जी का मूल मंत्र है, वो है ओम ह्रीम बटुकाया आपादु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाया ह्रीम ओम स्वाहा या ह्रीम फट स्वाहा। आप में से भी कई लोग इस मंत्र का जाप करते होंगे। मैंने पहले भी चैनल पर अघोर तंत्र रहस्य पर ये एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि पहली बार बटुक भैरव का मंत्र मैं चैनल पर डाल रहा हूँ, और डरलक सहीम वाला मंत्र मैंने दिया था। उस समय कई लोगों ने मेरा विरोध किया था। आज मैं उसका कारण बताऊंगा और फिर आप लोगों को महाभैरव का मूल मंत्र बताऊंगा। भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, स्वर्ण भैरव, अष्ट भैरव, जिस भी भैरव की हम पूजा करते हैं वो रुद्र अवतार है, मतलब रुद्र के पांचवें अवतार। कहा ऐसा गया कि वेदों में जिनको रुद्र बोला गया, तांत्रिक स्तोत्रों में उनको भैरव माना गया, तांत्रिक मंत्र में उनको ही भैरव बोला जाता है। लेकिन जब आप मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीम बटुकाया आपादु द्वारणाया, इसका विच्छेद करते हैं तो आता है आपद उद्धारणाय, मतलब आपद का उद्धार करने वाले भैरव। काल भैरव, बटुक भैरव, रुद्र अवतार भैरव या रुद्र भैरव, इनका प्राकट्य तब हुआ था जब ब्रह्मा जी ने मिथ्या बोला था या अहंकार वाणी बोला था, और रुद्र के शरीर से भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी और मिथ्या मुख काट दिया था। कालांतर में एक राक्षस हुआ आपद, और आपद ने महादेव से वर मांग लिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ एक 5 वर्षीय बच्चे के हाथ हो। तो आपद जो है वो तीनों लोकों में आपदा लाने लगा, इसलिए आपद बोलते हैं हम लोग कि आपदा आ गया, आपदा आ गया। हाँ, विपदा आपदा बोलते हैं जो। तो आपद राक्षस था जो तीनों लोकों में उसने बहुत घमासान मचाया। फिर देवताओं ने एक जगह एकत्रित होकर के इस विषय पर मंत्रणा की, और जैसे आपने रुद्रमलय तंत्र में पढ़ा है कि देवी भगवती का प्रादुर्भाव हुआ देवताओं के शरीर का जो तेज था उससे, वैसे ही एक 5 वर्षीय बालक का तेज से प्रादुर्भाव हुआ, और क्योंकि वो छोटे थे इसलिए उनका नाम पड़ा बटुक, और क्योंकि वो रक्षक थे इसलिए वो हो गए भैरव। तो आपाद उद्धारणाया, मतलब आपद का जो उद्धार किया वो भैरव, और रुद्र के जो अवतारी भैरव हैं, दोनों में अंतर है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आज जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं वो महाभैरव का मंत्र है, ठीक है? और इस मंत्र में मैं आपको मंत्र 3 बार बोल के दूंगा, उसके बाद आप अधिकृत तौर पर इस मंत्र का जाप कर पाएंगे। मंत्र जाप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र से शत्रु का स्तंभन कैसे करेंगे, मोहनी कैसे करेंगे, आकर्षित किसी को अपने प्रति कैसे करेंगे, वशीकरण कैसे करेंगे, और कोई बहुत अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसका उच्चाटन कैसे करेंगे। दुष्ट मतलब आपके प्रति दुष्ट नहीं, जो समाज या राष्ट्र के प्रति दुष्ट हो। मंत्र बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा 3 बार। इस मंत्र का 21 दिन तक 11 माला रात्रि के समय दक्षिण दिशा, 3 अगरबत्ती, कमल का आसन और वस्त्र काला, ठीक है? सिला हुआ वस्त्र पहन के भैरव जी का हम जाप नहीं करते हैं। एक विशेष में और ध्यान रखना है, जो नवेद होगा वो काले उड़द को तल के आप दे सकते हैं, काले उड़द का बरा दे सकते हैं, आप जलेबियाँ दे सकते हैं, जो तांत्रिक हैं वो छोटी हुई तली हुई मछली दे सकते हैं, है ना, दही दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, बेसन के लड्डू दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें भोग में लगती हैं। तो 21 दिन कोशिश करेंगे अलग अलग भोग आप भैरव जी को अर्पण करें, दक्षिण की दिशा, 3 अगरबत्ती लेकर के, और कमल का आसन काला, काला वस्त्र। कोशिश करना है कि
कि काला ही हो, और दूसरा जो अनिवार्य है वो ये है कि सिला हुआ वस्त्र आप नहीं पहन सकते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम बम 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 बटुक भैरवाय नमः, कृष्ण भैरवाय नमः। क्या है? ओम बम 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 बटुक भैरवाय नमः, कृष्ण भैरवाय नमः। ओम बम 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 बटुक भैरवाय नमः, कृष्ण भैरवाय नमः। ओम बम 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 बटुक भैरवाय नमः, कृष्ण भैरवाय नमः। बहुत ही छोटा, बहुत प्यारा सा मंत्र, लेकिन भैरव जी के होने का आभास आपको 21 दिन में ये मंत्र करा देगा। अब जिसको मोहिनी प्रयोग करना है, मतलब कोई व्यापार में आपका साथ नहीं दे रहा है, भाइयों में अगर द्वेष है, पत्नी में पति में द्वेष है, तो क्या करेंगे? सोमवार के मध्याह्न में, मतलब दोपहर में, कुएं के जल से पहले स्नान कर लेंगे, ठीक है? और जूट का जो बोरा होता है उस पर बैठ करके 10,000 जाप करेंगे इस मंत्र का। 10,000 जाप करके भैंस का घी, दही और चीनी, इसको मिला करके हवन करके, और जो राख बनेगी उसका तिलक करेंगे, और ये तिलक करके आप वहां जाएंगे जहां आपको मोहिनी का प्रयोग चाहिए, वो घर हो या व्यापार का क्षेत्र हो। दूसरा होता है कि कोई शत्रु अगर बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए स्तंभन प्रयोग होता है कि शत्रु जो भी परेशान कर रहा है वो रुक जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रविवार के दिन सुबह सुबह श्मशान में जाएंगे, मूल मंत्र का 10,000 जाप करेंगे, ठीक है? और जब उसी रविवार की मध्य रात्रि में जायफल, जावित्री और कनेर के फूल को घी में मिला करके दशांश हवन करेंगे, मतलब एक एक 1,000 बार हवन करेंगे। इसमें संकल्प जो है वो आप शत्रु के नाम पर लेंगे, और इससे क्या होगा कि शत्रु का जो है स्तंभन हो जाएगा। ये सारे प्रयोग तब होंगे जब आप 21 दिन तक इस मंत्र को सिद्ध करेंगे, ठीक है? आकर्षण के लिए क्या करना है? बुधवार को 4 घड़ी पे जब सूर्य रहे, 4 बजे, तो घर आपका सुनसान होना चाहिए, उसमें कोई लोग नहीं हो, तब 10,000 इसी मंत्र का जाप करेंगे। घी, खांड, सनैली और कनेर का फूल को मिला के, थोड़ा बिल्व बिल्व का फूल, इन सबको मिला करके और दशांश आहुति देंगे, ठीक है? कहते हैं इस हवन को करने से जो अप्सरा है वो भी आपसे आकर्षित हो जाती है। फिर वशीकरण प्रयोग। वशीकरण कैसे करेंगे? बृहस्पतिवार को सुबह उठेंगे, जैसे सूर्योदय होगा नदी के किनारे जाके 10,000 बार जाप करेंगे। घी, आंवला और बिल्व का जो फल होता है, बिलपत्र का जो फल होता है, उसको मिला करके दशांश हवन करने से किसी पे जो वशीकरण करना है वो वशीकरण प्रयोग सफल होता है। वशीकरण का मतलब ये नहीं कि जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आप जो आपसे एनॉइड है उसको एक ही बार आप अपने प्रेम प्रसंग में बांध लेंगे, ऐसा नहीं होता। वशीकरण प्रयोग का मतलब होता है कि जिसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही है उसकी एनर्जी आपसे मैच करने लगे, वो अगर आपको अवॉइड कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो आपके पक्ष में हो जाएगा। उच्चाटन प्रयोग उस पर करते हैं जिस पे समाज या राष्ट्र का अहित कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति पे हम उच्चाटन प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? शुक्रवार को सुबह उठेंगे, वट वृक्ष के नीचे बैठ के 10,000 जाप करेंगे, फिर वहीं पर घी, दूध, दही, ईख का रस, गौमूत्र और खीर, खीर दूध के गाय में खीर मिला के, जिसका चावल जो है वो टूटा नहीं होना चाहिए, मिला करके दशांश हम हवन करेंगे। तो जिस भी शत्रु के नाम पर आपने ये पूरा संकल्प किया है उसका उच्चाटन हो जाए। उच्चाटन का अर्थ क्या होता है कि लोग पागल हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, है ना? लेकिन अगर आप किसी सही व्यक्ति पर करोगे, किसी अच्छे व्यक्ति के पे करोगे अपने लाभ के लिए, तो आप समझ लो कि ये उच्चाटन आप पर ही काम करेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको बेसिक साधना सीखनी है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585।
इस पर व्हाट्सएप करके आप पेड साधना ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो हम आपको बताते हैं, जैसे तंत्र मंत्र की साधना जो अपडेट है वो जानने के लिए www.agurutantras.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल बिफोर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्र मंत्र CM4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव महाभैरव आप सभी को सुखी और संपन्न रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश हरा खादेश।